दोस्तों, अगर आप अपना इंस्टाग्राम में मैसेज को स्वाइप अप करके रिप्लाई करना चाहते होंगे, जैसे कि मैं इस बंदा का रिप्लाई करता हूं, तो यहां पर मेरे को ये फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, रिप्लाई का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कहीं भी रिप्लाई का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो किस तरह से यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये बंदा ने यहाँ पर रिप्लाई किया। एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो इस अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका भी इस तरह का रिप्लाई का ऑप्शन चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन अब आ रही है। यहाँ से मैं इस बंदे को रिप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ से सेंड कर सकता हूँ अपने इंस्टाग्राम के मैसेज में। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका इंस्टाग्राम में रिप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रही है जिससे आप रिप्लाई करना चाहते हैं किसी बंदे को अपना मैसेज स्वाइप अप करके, तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है। आप लोग यूट्यूब में यार काफ़ी लोग का वीडियो देखते होंगे जहाँ पर आपको फेक वीडियो बनाया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि इस तरह से आप अपना मैसेज को रिप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से अपना मैसेज स्वाइप अप कर सकते हैं, बट बिल्कुल फेक रहता है। आप अगर इस वीडियो को क्लिक किए और इस वीडियो को देखने आए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप इस वीडियो देखने के बाद कभी भी आप निराश नहीं होंगे। आप इसको देखने के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपका इंस्टाग्राम में जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा। तो क्या इसका रीज़न है, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको कंटिन्यू देखना है वीडियो में। आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप रिप्लाई का ऑप्शन को ला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही रिकमेंड करूँगा कि आपको इंस्टाग्राम को अपना, अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए हैं तो आपको उसको अनइंस्टॉल कर देना है। प्ले स्टोर से अगर आप इंस्टॉल करिएगा तो आपका जो भी रिप्लाई का ऑप्शन है या फिर जितना भी इंस्टाग्राम का नए नए फीचर है आपको नहीं दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्रोम से आपको डाउनलोड करना है। क्रोम से भी डाउनलोड करना है तो कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको इंस्टाग्राम में सर्च करना है अप टू डाउन। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास इंस्टाग्राम अप टू डाउन नहीं आता है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके भी आप आ सकते हैं। अप टू डाउन आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम क्रोम अप टू डाउन, क्रोम में सर्च करना है इंस्टाग्राम अप टू डाउन। फर्स्ट लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, इसी को आपको डाउनलोड करना है। ओके, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है इंस्टाग्राम। प्ले स्टोर में जाना है, इंस्टाग्राम आपको सर्च करना है। ओके गाइज, जैसे जब प्ले जाते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगी, इसको आप सिंपली से अपडेट कर लेनी है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर टच करना है। एक बार टच करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं मैं बेटा वर्जन को ज्वाइन कर रखा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा वर्जन को मैं ज्वाइन कर रखा हूँ ऑलरेडी। आपको भी यहाँ पर बेटा वर्जन को ज्वाइन कर लेनी है, जिससे क्या होगा आपका इंस्टाग्राम में जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो सब आपको बेटा के थ्रू आपको मिलता रहेगा। बेटा वर्जन ज्वाइन करने से यही बेनिफिट होता है कि आपका जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको समय पर मिल जाती है अपडेट करने के लिए। जिस तरह आप YouTube में आप सर्च करते होंगे कि यार इंस्टाग्राम में ये अपडेट नहीं आया, वो अपडेट नहीं आया, क्यों नहीं आता है, इसलिए आपका प्रॉब्लम है कि बेटा वर्जन आप ज्वाइन करके नहीं रखे हो। अगर आप बेटा वर्जन को ज्वाइन करके रखिएगा तो आपको क्या होगा कि आपका जो भी इंस्टाग्राम में लेटेस्ट वर्जन है सब आपको मिलता रहेगा। जो जो नया नया फीचर आते हैं सब आपको अपडेट करने के लिए मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको मिल रहा है इंस्टाग्राम लेटेस्ट अपडेट इस एप्लीकेशन से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार मोबाइल को रिबूट करना है। रिबूट आने के रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको एक बार अपना फ़ोन में चेक करना आपका इंस्टाग्राम में रिप्लाई का ऑप्शन आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो अच्छी बात है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर नहीं आती है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है सो मैं आपको बता ही देता हूँ। नहीं आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक डाल दूंगा जो आपको लिखना है। सो यहाँ पर आपको टिन डॉट में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, इस सेटिंग ऑप्शन में सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेटिंग का ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेल्प सेंटर, तो इस हेल्प सेंटर में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखिए रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सेंड फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस सेंड फीडबैक में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सेंड फीडबैक में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दिया हूँ, आने के मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ कि आपको यहाँ पर लिखना है, उसको लिखना है। और यहाँ पर आपको गैलरी से अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको ले लेना है, यहाँ से आपको सबमिट कर देना। मैं ऑलरेडी मेरा पर रिप्लाई का ऑप्शन मिल चुका है, मैं नहीं करने वाला हूँ। आपको ये करना है, ये करने के बाद आपको एक बार क्या करना है, अपना मोबाइल को सेटिंग में आना है। और सेटिंग में आते ही सबसे पहले यही काम करना है आपको, ठीक है गाइस। जो भी काम करना है सबसे पहले यही काम करके चेकआउट कर लेना है कि यार मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती है। आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है, एक बार यहाँ पर मोर सेटिंग में आना है। यहाँ पर देखिए ऐप मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम। तो चलिए मैं इंस्टाग्राम को लोडिंग होने देता हूँ, फिर मैं आपसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम मिल जाएगी। आपको काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन मिलेगी बट यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर मिल चुकी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टोरेज में क्लिक करना है और एक बार यहाँ से क्लियर कैच कर देना है, ठीक है। अगर आपका ये प्रॉब्लम नहीं आया तो क्लियर कैच करने के बाद फिर से आईडी लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आपको वहाँ पर सेंड फीडबैक करना है।
तो आपको 24 से 48 आवर के अंदर अंदर आपको ये फीचर मिल जाएगी और आपको जीमेल में सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी टेक गुरु राहुल 2 है, आप मेरे को यहाँ से मेंशन कर सकते हो या फिर रिप्लाई कर सकते हो, जरूर फॉलो करके रखना और मैसेज करना, आपका प्रॉब्लम का नया ट्रिक बताऊंगा अगर नहीं सॉल्व होता है तो। आई होप वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होगा, नॉलेजबल प्लीज़ लाइक करना, अदर चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, अपना बहुत ख्याल रखो।